जो डैमलेस इलेक्ट्रिसिटी है ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो फ्लोइंग वाटर है ये प्रोसेस करता है एनर्जी। तो हमने इसी एनर्जी को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैंने ये डैमलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, ये मैंने इस गरज से बनाई है क्योंकि अभी भी वर्ल्ड में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो सफ़र हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मैंने ये सोच के ये बनाया ताकि मैं उनको फ़ायदा दे सकूं। मैंने और मेरे फ्रेंड ने 2 मंथ्स पे मेहनत की और हमने ये बनाया और 10,000 इस पर खारिज किए। हमें आइडिया उसने हमारा, जब मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ से गुजर रहे तो हमने देखा यहाँ पे गरीब लोग जो बाहर से आते हैं और फिर वो टेंट में बैठते हैं, वो लकड़ी जलाकर वो खाना खाते थे, उसी लाइट से खाना खाते थे। फिर हमें ये आइडिया है कि हम क्यों ना हम कोई ऐसा डैमलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाए कि जिससे ये परेशानी ना हो और उसे इस मुश्किल को हम दूर कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया कि ये पागल हो गए, ये क्या बना रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। फिर हमने इसको बनाकर दिखाया और यहाँ पे आज लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। मीडिया वाले जब आ गए तो उन्होंने कहा हम ये बात आगे तक ले जाएंगे, आगे तक लेके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इन लोगों की जो हिम्मत है, हौसला अफजाई, वो मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से अब कमज़ोर होने लगी है क्योंकि इसके बनाने से इन लोगों को आगे कुछ फ़ायदा नहीं हो। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ तो महबूबा मुफ्ती जी का दावा है कि ये जो आजकल के लड़के हैं ये खुद कुछ करके दिखाए, लेकिन जब इन्होंने कुछ करके दिखाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों से गुजारिश करते हैं अगर आप इन नौजवानों की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर 01933224425 पापोर के को इन अफसरान को आप कॉल कर सकते हैं। आपकी एक कॉल इनके मुस्तकबिल को आगे ले जा सकती है। मैं हूं जहानारा खालिक पुलवामा से कश्मीर अनहर्ड के लिए।